नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं बुंडू, जहाँ मेला लगा है नवरात्रि मेला। ये बहुत ही धूमधाम मेला है पंचपुराना क्षेत्र का, इसलिए हम लोग अभी वहाँ जाएंगे देखने के लिए। बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग ब्लॉग में। दोस्तों अभी मैं घाट वाली पहुँच चुका हूँ, अभी हम लोग बुंडू जाएंगे। ये शिबू है, देखिए ये मेरे साथ जाएगा अभी। दोस्तों अभी मैं ATM जा रहा हूँ, पैसा निकालना है थोड़ा। SBI का ATM है यहाँ पे, वहाँ पे ले जाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग बस में चढ़ गए हैं और पीछे में बैठे हैं। बस टाटा रांची वाला बस है, इसलिए जल्दी हम लोग पहुँचा देगा। दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं स्वर्णरेखा नदी। दोस्तों आपको जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ता की सहायता से आप टाटीसिलवे जा सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग ओवरब्रिज पर मौजूद हैं। दोस्तों अभी हम लोग जिस सड़क में हैं, वो सड़क है NH 33, जो कि बहुत ही अच्छा बना है। आप देख सकते हैं कितना आकर्षक लग रहा है, बहुत ही फर्स्ट क्लास सड़क है। दोस्तों अभी हम लोग टैमरा घाटी पर हैं, आप नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। दोनों तरफ जंगल है और बीच में रास्ता है। दोस्तों ये घाटी बहुत ही आकर्षक है। दोस्तों टैमरा घाटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर धसम फॉल स्थित है, जो कि झारखंड का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। दोस्तों अभी हम लोग एदलहातु पहुंचे हैं। दोस्तों आपको जो ये गेट दिखाई दे रहा है, ये गेट है श्री मंदिर का गेट, जो कि झारखंड का एक प्रमुख मंदिर है। अभी मैं बुंडू पहुंच गया हूं और यहां पे अभी हम लोग उतर गए बस से। अभी हम लोग आपको दिखाएंगे बहुत ही अच्छा अच्छा जगह यहां पे है। अभी बहुत सारा मेला लगा हुआ है, बहुत सारा भीड़ भड़का भी यहां पे है, तो चलिए अभी वहां पे जाते हैं। भीड़ नहीं लग रहा है क्योंकि अभी ये मेला जो है वो शाम को लगता है, थोड़ा अंधेरा होगा तो यहाँ पे भीड़ लगना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मेले में जो झूले लगे हुए हैं, मौत का कुआं लगा हुआ है, बहुत सारे नाव लगे हुए हैं, बहुत सारे तरह तरह के यहाँ पे इक्विपमेंट है बच्चों के खेलने के लिए, लोगों के खेलने के लिए, इसलिए बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोग। Thank you.
मेला ज्यादा नहीं लगा है, इसलिए मैं अभी आपको मंदिर दिखाने जा रहा हूँ। मेला में है, आप देख सकते हैं इधर पीछे नजारा मेला का, तो लाइटिंग है इसलिए दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों आपको नवरात्रि मेला बुंडू का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी दोस्त अगर आपका मेला देखने नहीं गया हो तो वह भी इस मेला का आनंद ले सके। दोस्तों आपने इस वीडियो को इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।